टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि टैली प्राइम में वर्तमान और अन्य अवधियों से इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC के ब्रेकअप के साथ GSTR 3B को कैसे देखें। जब आप कुछ सामान और सेवाएं खरीदते हैं तो आपको ITC मिलता है। हालांकि वही खाते और GST पोर्टल पर कुछ वाउचर्स के लिए रिटर्न अवधि में अंतर हो सकता है। ऐसा तब होता है जब आपका आपूर्तिकर्ता रिटर्न अवधि के बाद GST पोर्टल पर चालान को अपलोड करता है और वो रिटर्न पीरियड उस अवधि से भिन्न है जिसमें आपने खरीदारी दर्ज की थी। एक अलग परिदृश्य में हो सकता है कि आप खरीदारी का रिपोर्ट करने से चूक गए हों, अतः आपने खरीद वाउचर को रिटर्न अवधि में वही खाते में दर्ज किया था और वो रिटर्न अवधि उस अवधि से भिन्न है जिसमें आपके आपूर्तिकर्ता ने संबंधित चालान की रिपोर्ट की है। ऐसे मामलों में ITC राशि किसी अन्य अवधि से होगी। आमतौर पर वर्तमान अवधि में अधिकांश ITC वर्तमान अवधि में दर्ज खरीद से उपलब्ध होती है। कुछ ITC पिछली अवधि में दर्ज खरीद से होगी। हालांकि GST के अनुसार ITC का लाभ उठाने के लिए इसे वर्तमान अवधि तक बढ़ा दिया गया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके आपूर्तिकर्ता ने GSTR 1 में बिक्री चालान को अपलोड नहीं किया हो। ऐसी खरीद के लिए आप भविष्य में ITC का लाभ उठाएंगे। आइए देखें कि रिटर्न अवधि के लिए ITC ब्रेकअप कैसे देखें। और जी दबाएं। 3B टाइप करें और GSTR 3B खोलें। अब ITC का ब्रेकअप देखने के लिए F8 दबाएं। वैकल्पिक रूप से आप सीधे गो टू से नेविगेट कर सकते हैं। Alt G दबाएं। ITC टाइप करें। ITC ब्रेकअप ऑफ GSTR 3B खोलें। यदि आवश्यक हो तो अवधि बदलने के लिए F2 दबाएं। प्रारंभ और समाप्ति की तारीखें दर्ज करें। अब रिपोर्ट को अन्य अवधियों के ITC के साथ देखने के लिए F12 दबाएं। शो ब्रेकअप ऑफ टैक्स अमाउंट को नहीं के रूप में और शो ITC मूव टू अदर पीरियड्स को हाँ के रूप में दिखाने के लिए सेट करें। कॉन्फ़िगरेशन को सहेजने के लिए कंट्रोल और दबाएं। अब आप कुल ITC देख सकते हैं। इसमें वर्तमान अवधि, अन्य अवधियों तथा अन्य अवधियों में स्थानांतरित ITC का ब्रेकअप शामिल है। अब यदि आप उस अवधि की पहचान करना चाहते हैं जिससे ITC वर्तमान अवधि में स्थानांतरित हुई है तो कॉलम से नीचे ड्रिल करें। F5 व्यू वाउचर वाइज दबाएं। आप कर राशि के साथ विभिन्न अवधियों से संबंधित ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। आप वर्तमान अवधि से अन्य अवधियों में स्थानांतरित ITC को भी देख सकते हैं। ITC मूव टू अदर पीरियड से ड्रिल डाउन करें। F5 व्यू वाउचर वाइज दबाएं। आप अन्य अवधियों में स्थानांतरित किए गए ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, टैली प्राइम में GSTR 3B के ITC ब्रेकअप से आपको वर्तमान और अन्य अवधियों का ITC का पता चलता है। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं। आप सहायता के लिए WhatsApp भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।